हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भुना चिकन की रेसिपी। सुपर सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन इसका जो जायका है वो आपके दिल को छू जाएगा। इसे आप पराठों के साथ खाएं या रोटी के साथ, सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है, उसमें एक टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक बड़ा चम्मच डालना है। एक टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, ये कलर के लिए है। एक नींबू का रस डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैंने यहाँ पर एक टीस्पून डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख दें 15 मिनट के लिए बस। जब तक हम एक मसाला तैयार करते हैं जिसमें धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और 2 टेबल स्पून के करीब बेसन डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दें। क्वांटिटी में सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब एक मिक्सी के बर्तन में 2 छोटे साइज के टमाटर लेना है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे और 1 मिर्च लेंगे। बस इतनी ही चीज़ डालेंगे और दरदरा पीसना है। ज़्यादा भी पेस्ट नहीं करें, फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर दरदरा पीसना है। चॉपर लेंगे, चॉपर के अंदर हमने एक बड़ी साइज़ का प्याज डाला है, अच्छे से चॉप करें। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से भी कट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमको है ना चौकोन लेकिन बहुत ही बारीक प्याज चाहिए, स्क्वायर शेप में, जिस तरीके से हम भुर्जी के लिए कट करते हैं ना, अंडे की भुर्जी के लिए, बस उसी तरीके से हमें प्याज चाहिए। देखें, बहुत ईजी तरीके से हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर पैन लेना है, उसमें 1 टीस्पून जीरा, 8 से 12 ब्लैक पेपर, लौंग, इलायची और 3 लाल मिर्चों को डालना है। इलायची 3 ले, लौंग 4 ले, थोड़ा हल्की सी खुशबू आने तक भून ले। उसके बाद एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख दे। यह हमारा सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कढ़ाई में 4 टेबलस्पून के करीब तेल डाले, प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी वो भी डालना है। यहाँ पर हमने प्याजों का कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई करना है, ब्राउन प्याज करना है, मतलब जिस तरीके का बिलिस्ते का कलर होता है बस उसी तरीके की प्याज चाहिए। तो गैस का फ्लेम हाई रखे और अच्छे से प्याजों को फ्राई कर ले। उसके बाद बेसन के अंदर जो हमने ड्राई मसाले डाले थे वो भी डालना है। गैस का फ्लेम लो रखे क्योंकि बेसन जलने का यहाँ पर चांसेस होते हैं, इसलिए लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से मसालों को भूनना है, बेसन को भूनना है। यहाँ पर बेसन में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। देखिए, इस तरीके का कलर भी चेंज होने लग गया है। उसके बाद जो हमने टमाटर पीस के रखा था बस वो भी डालेंगे, दरदरा पीस के रखा था वो भी डालेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी जल्दी करना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा तो फिर वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा चिकन के अंदर, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करते हुए हमने टमाटर को सारे अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर। तो टमाटर मिक्स होने के बाद मैंने मिक्सी के बर्तन में हल्का सा 1 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है, वो भी डालकर टमाटर को अच्छे से भुने। देखिए, ऑयल सेपरेट होने लगा है। उसके बाद सारे खड़े मसाले और रेड चिली फ्लेक्स और सौंफ का पाउडर, ये डाला है मैंने। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डाला है, सौंफ का पाउडर भी 1 टीस्पून डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। सौंफ के पाउडर से ना बहुत अच्छी खुशबू आएंगी चिकन में, इसलिए डाला है। उसके बाद जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो चिकन भी डालेंगे। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रखें ताकि जब हम बाकी की तैयारियां करें तब तक है ना चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए और उसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, सारे मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भूनना है क्योंकि ये हम भुना चिकन बना रहे हैं, तो इसके अंदर चिकन को जितना भूनते जाएंगे फ्लेवर उतना ही ज़्यादा एनहांस होता जाएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने अच्छे से चिकन को भून लिया है मसालों के साथ। उसके बाद अभी हमने टमाटर भी पकाना है, चिकन भी पकाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी डाला है, यहाँ 1 कप के करीब पानी डाले आप। पानी को अच्छे से मिक्स कर लें और ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। बीच बीच में चम्मच भी चलाते रहें। 10 से 12 मिनट के बाद देख सकते हैं चिकन भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है, मसाला भी ड्राई हो गया है और है ना मसाले का ऑयल भी अच्छे से रिलीज हो गया है। आप देख सकते हैं चिकन में अभी भी थोड़ी सी ग्रेवी बची है, तो उसको सुखाएंगे हम पहले। तो जिसके लिए हमने मिर्च डाला है, पहले अदरक डालना है लंबा कट करके, और हरा धनिया, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पहले मैंने ना तवे के ऊपर हल्का सा भून लिया, उसके बाद रब करके डाला है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आएंगी। तो यहाँ पर मैंने मिर्च इसलिए लास्ट में डाला ना, लास्ट में डालने से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनते जाना है। जब तक भूनना है तब तक इसका जो मसाला है वो चिकन के ऊपर अच्छे से लगना शुरू ना हो जाए, उसके मसाले की कोटिंग ना होने लग जाए तब तक। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला है 1 टीस्पून के करीब। लास्ट में, एकदम लास्ट में हमने गरम मसाला पाउडर डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चिकन की ग्रेवी थी वो काफ़ी हद तक सूख चुकी है, एकदम ड्राई हो गया है चिकन। मसालों की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखें कि आपको जितना सूखा चाहिए या थोड़ी ग्रेवी चाहिए। अब देख सकते हैं मैंने और ज़्यादा सुखाया है, तो चिकन अच्छा खासा सूख चुका है। अब हम सर्व करेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही मज़े की रेसिपीज चिकन की मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।